सोलन के ऑटो चालकों ने शहर में रोष रैली का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने जमकर जिला प्रशासन के नकारात्मक रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये रोष रैली इसलिए निकाली गई क्योंकि कुछ समय में शहर में पिछले काफी समय से चल रहे ऑटो नियमों का हवाला देकर भारी भरकम चलान किए जा रहे हैं, जिसके कारण ऑटो चालकों में भारी रोष दिख रहा है और उन्होंने जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस तरह का रवैया सरकार और प्रशासन का रहता है तो वह आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। अधिक जानकारी देते हुए ऑटो चालक राजेंद्र मोहन ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार नए रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं जो युवक रोजगार कर रहे हैं उन्हें बेरोजगार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि सोलन के युवा बेरोजगार जो काफी समय से शहर में ऑटो चला रहे हैं, उनका नियमों का हवाला देकर हजारों रुपए का चालान किया जा रहा है, जिसकी वजह से रोजी रोटी कमा रहे युवक बेहद आहत हैं और गुजर बसर करना भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। इसीलिए उन्होंने हताश होकर रोष रैली का आयोजन किया और अगर जिला प्रशासन और सरकार फिर भी नहीं जागा तो वह अपने प्रदर्शन को और उग्र करने पर मजबूर होंगे। आपको बता दें कि सोलन में ऑटो यूनियन टूटने की कगार पर है, उनके बीच में फूट पड़ चुकी है और ऑटो यूनियन कमजोर पड़ते ही जिला प्रशासन ऑटो चालकों पर हावी होता नजर आ रहा है। यही कारण है कि शहर में बढ़ती ऑटो की संख्या और जाम पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने वर्तमान ऑटो यूनियन के सहयोग से चालान करने शुरू कर दिए हैं और यह रवैया अब कई ऑटो चालकों को रास नहीं आ रहा है। एक ऑटो का 5,000 से लेकर के 25,000 रुपए तक जुर्माना, और उसके बाद जो लोग जो ड्राइवर उनको चला रहे हैं उन्हें बेवजह तंग करना, जहां मर्जी आए रोक लेना, जैसी मर्जी आए उनसे उस भाषा में बात करना, जिससे उनका मनोबल तो गिरा है, मनोबल गिरने के साथ वो जो बेरोजगार हुए हैं उसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार है पॉलिसी। आज से पहले जब भी ऑटो बस टैक्सी जो भी परमिट इशू किए जाते थे सबको बेरोजगारी के नाम दिए जाते थे। आज एक एक टैक्सी ऑपरेटर के पास 10-10 टैक्सियां, एक एक बस ऑपरेटर के पास 2-2, 3-3 बसें, मतलब हर आदमी हर क्षेत्र में बढ़ता जाता है। लेकिन दुख की बात है ऑटो क्षेत्र में बढ़ने के कदम सरकार या प्रशासन द्वारा बिल्कुल बंद किए गए। अगर ये हमारी आवाज सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचती है, उचित निर्णय वो लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो यह आज छोटा आंदोलन कल जन आंदोलन और आने वाले समय में ये एक आक्रोश आंदोलन भी बनेगा।